दिल्ली सरकार ने अनलॉक 3 के नियम जारी कर दिए हैं। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान अभी बंद ही रहेंगे। इसके अलावा सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव समारोहों पर अभी रोक जारी है। दुकानों को अब हर दिन सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुलने की इजाजत दी गई है। रेस्टोरेंट्स को 50% कैपेसिटी के साथ खुलने की इजाजत होगी। कोरोना से हुई मौतों के गलत आंकड़ों पर घिरी बिहार सरकार एक बार फिर से विवादों में। ताजा मामला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में। स्वास्थ्य विभाग के अपनी जांच में कई ब्लॉक में एंटीजन की जितनी किट मिली उससे ज्यादा जांच रिपोर्ट सरकारी पोर्टल में दर्ज है। तृणमूल कांग्रेस में घर वापसी करने वाले मुकुल रॉय को लेकर बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने बड़ा बयान दिया है। दिलीप घोष ने कहा है कि जो लोग ऐसी पार्टी से आए जहां कट मनी का चलन है उनके लिए बीजेपी में रहना मुश्किल है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुकुल रॉय के जाने से बीजेपी को फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तंज कसते हुए ट्वीट कर एक सवाल उठाया है और जवाब भी खुद ही दिया है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि भारत सरकार का सबसे कुशल मंत्रालय कौन सा है। इसी ट्वीट में उन्होंने आगे लिखा, झूठ और फालतू नारे लगाने वाला गुप्त मंत्रालय। 2022 में यूपी में होने वाले नेतृत्व बदलाव के सवाल पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि 2022 में पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा या चेहरा कौन होगा ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, ये मेरा विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस बैठक को मीडिया चेहरे को लेकर मंथन का नाम दे रही है दरअसल वो मंथन नहीं बल्कि रूटीन बैठक। जम्मू कश्मीर में चुनाव से जुड़ी राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने और राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए केंद्र सरकार राज्य के राजनीतिक दलों के साथ बातचीत शुरू कर सकती है। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। अभी इसको लेकर कोई औपचारिक आमंत्रण नहीं मिला। केंद्र और कई राज्यों में सत्तासीन बीजेपी को कॉरपोरेट और व्यक्तिगत चंदा हासिल करने के मामले में पिछले लगातार 7 साल से नंबर 1 बनी हुई है। साल 2019-20 में बीजेपी को कुल 785 करोड़ रुपए का चंदा हासिल हुआ। बीजेपी को कांग्रेस के मुकाबले 5 गुना से ज्यादा चंदा हासिल हुआ। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कोरोना वायरस रोधी टीकों पर कर न घटाने के जीएसटी परिषद के फैसले को जन विरोधी करार दिया। उन्होंने इसके साथ ही शनिवार को आरोप लगाया कि जब उन्होंने आपत्ति दर्ज कराने की कोशिश की तो उनकी आवाज दबा दी गई। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में ग्रामीणों के जरिए बनाए गए कोरोना माता के मंदिर को पुलिस ने रातों रात हटा दिया। मंदिर बनाने की भनक जैसे ही पुलिस को लगी तो शुक्रवार देर रात जेसीबी से मंदिर को नष्ट कर वहां से मलबा तक हटा दिया जैसे वहां पहले कुछ था ही नहीं। उत्तराखंड की राजनीति में जबरदस्त धमक रखने वाली कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और प्रदेश की नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश अब नहीं रही। रविवार सुबह दिल्ली में हृदय गति रुकने से उनका देहांत हो गया। सालों के अपने राजनीतिक करियर में उन्होंने उत्तराखंड की राजनीति को कई नए मुकाम दिए।